हिंदुस्तान के लोग हर बार पैलेस्टाइन के साथ के सॉलिडारिटी में खड़े रहे हैं, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं और पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ, इस जेनोसाइड के खिलाफ, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं होने दिए जा रहे, क्योंकि ये सरकार अगर कोई जना पैलेस्टाइन का फ्लैग भी रेज करता है, वेव करता है, तो उसको अरेस्ट कर लेती है और ये कह के अरेस्ट कर लेती है कि भाई आप अलगाववाद बढ़ा रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अरे पैलेस्टाइन के सॉलिडेरिटी में, पैलेस्टाइन के दबे हुए, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि इसराइल का ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन में बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन का फ्लैग वेव करना एक ऐसा ऑफेंस हो गया जिसमें आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। इसराइल भी जो सोच रहा है कि उसका भला हो रहा है, उसका कोई भला नहीं हो रहा, सिर्फ नेतन्याहू को थोड़े दिन तक और पावर में रखा जा रहा है। जैसे हिटलर जब वर्ल्ड वॉर बढ़ाता गया, उससे जर्मनी का कोई भला हुआ? उससे तो जर्मनी तबाह हो गया, लेकिन हिटलर थोड़े दिन तक और चलता गया जब तक कि उसने सुइसाइड नहीं कर लिया। गजा में इजराइल कर रहा है, ये एक बहुत ही घिनौना नरसंहार है और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी एक्नॉलेज कर लिया है। यूनाइटेड नेशंस के कितने सारे एक्सपर्ट्स ये एक्नॉलेज कर चुके हैं, ये सबको पता है किस तरह का जेनोसाइड। जॉन ने तो बहुत डिटेल में आपको बताया। हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान एक जेनोसाइड कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, रेटिफाई भी किया है, इस पर जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बोला है वो ये कहता है कि कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने या हिंदुस्तान ने साइन किया है और रेटिफाई किया है, उसको आप अपने हिंदुस्तान के कानून में पढ़ सकते हैं, यानी कि उसको हिंदुस्तान के कानून का हिस्सा मान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, देखिए, ऐसी सिचुएशन में कोई ये नहीं कह सकता, अगर आप ये भी मान लें, वृंदा ने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुस्तान इसराइल के इस जेनोसाइड को और तरीके से भी मदद कर रहा है, उससे आर्म्स जब खरीदते हैं तो उनको पैसा जाता है, उससे आप पेगासस जब खरीदते हैं तो इसराइल को पैसा जाता है, खूब सारा पैसा उनको दिया जा रहा है, उससे भी उनके जेनोसाइड में मदद होती है। लेकिन अगर आप आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब तो सीधी मदद है उस जेनोसाइड में, और खास कर अगर आपको ये पता है कि वो आर्म्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका इस्तेमाल इसराइल गजा में कर रहा है, जिसका भी एविडेंस है, तब तो सीधा सीधा ये इंटरनेशनल लॉ, जेनोसाइड कन्वेंशन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का उल्लंघन है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और लिबर्टी सिर्फ हिंदुस्तान के सिटीजन के लिए नहीं सिक्योर्ड है, लेकिन किसी भी सिटीजन के लिए विश्व में कहीं पर भी हो। और अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी सरकार कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे कि दूसरे देश के सिटीजन्स के ऊपर नरसंहार हो रहा हो, तो वो हमारे संविधान के धारा 21 का सीधा उल्लंघन है। और उसमें ये कहा गया है कि उसमें जो भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे, जो भी चाहे मंत्री हो, चाहे दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हो, जो भी लोग उसकी मदद करेंगे, यानी इस जेनोसाइड के मदद में मदद करेंगे, जिन लोगों ने लाइसेंस दिया, जिन लोगों ने यह एक्सपोर्ट का लाइसेंस अप्रूव किया, वो सब उसके लिए जिम्मेदार होंगे और दंडित किए जाने चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं, जैसे भाजपा वाले लोग ये कहते हैं, ये
कि नहीं जी ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हम हिंदुस्तान को आगे रखना चाहते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि इससे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप इस तरह से सारे इंटरनेशनल लॉ को ध्वस्त करेंगे, इस तरह से जेनोसाइड में मदद करेंगे, तो उससे किसी का भला नहीं होने वाला। इसराइल भी जो सोच रहा है कि उसका भला हो रहा है, उसका कोई भला नहीं हो रहा, सिर्फ नेतन्याहू को थोड़े दिन तक और पावर में रखा जा रहा है। जैसे हिटलर जब वर्ल्ड वॉर बढ़ाता गया, उससे जर्मनी का कोई भला हुआ? उससे तो जर्मनी तबाह हो गया, लेकिन हिटलर थोड़े दिन तक और चलता गया जब तक कि उसने सुइसाइड नहीं कर लिया। इससे सिर्फ नेतन्याहू को थोड़ा देर और चलने के लिए मदद मिल रही है, इसराइल की जनता का कोई भला नहीं हो रहा, हिंदुस्तान का तो बिल्कुल भी इससे भला नहीं होने वाला। जो लोग इस तरह से सोचते हैं, बहुत शॉर्ट साइटेड सोच है। और देखिए, हिंदुस्तान की सरकार ये बात समझती है कि जो ये काम कर रहे हैं, जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स इसराइल को कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस कानून का वायलेशन है, आर्टिकल 21 राइट्स का वायलेशन है। क्योंकि ये इससे साफ जाहिर है कि जब रामचंद्रन जी ने वायर में ये स्टोरी पब्लिश करी कि हिंदुस्तान आर्म्स को एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, उसके बाद जब इसराइल का नरसिंहार शुरू हुआ गाजा में, तो फिर मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से, जो स्कोमिट की वेबसाइट है जिससे ये सारी सूचना हम लोगों ने निकाली थी कि किस कंपनी को कब लाइसेंस दिया गया, कब उसको परमिशन दी गई एक्सपोर्ट की, उसमें से दो कॉलम हटा दिए। एक कॉलम ये हटा दिया कि किस देश को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा। पहले उस कॉलम में था कि इसराइल को एक्सपोर्ट किया जा रहा, फिर वो कॉलम वहां से उड़ा दिया गया। आज आप उस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि किस देश को ये एक्सपोर्ट किया। इससे साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान सरकार ये समझती है कि जो ये आर्म्स एक्सपोर्ट्स इसराइल को करे जा रहे हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल खिलाफ है, और हिंदुस्तान को उस जेनोसाइड में एक पार्टी बना देते हैं, एक मददगार बना देते हैं। तो दूसरी बात, जैसे आपको बताया गया कि हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग हर बार पैलेस्टाइन के साथ के सॉलिडारिटी में खड़े रहे हैं, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं और पूरे विश्व में, खासकर अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ, इस जेनोसाइड के खिलाफ, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं होने दिए जा रहे। क्योंकि ये सरकार अगर कोई जना पैलेस्टाइन का फ्लैग भी रेज करता है, वेव करता है, तो उसको अरेस्ट कर लेती है, और ये कह के अरेस्ट कर लेती है कि भाई आप अलगाववाद बढ़ा रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। अरे पैलेस्टाइन के सॉलिडेरिटी में, पैलेस्टाइन के दबे हुए, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि इसराइल का ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन में बिल्कुल इलीगल है, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन का फ्लैग वेव करना एक ऐसा ऑफेंस हो गया जिसमें आप लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार की मानसिकता दिखाता है कि किस स्तर तक ये लोग गिर चुके हैं। तो इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो चिट्ठी दी गई है, इसके आधार पर तुरंत सरकार ये आर्म्स एक्सपोर्ट्स को रोके, जो भी लाइसेंस दिए गए हैं उनको कैंसिल करे, और जवाबदेही का सिलसिला भी शुरू होना चाहिए कि किन लोगों ने इसको परमिट किया, जबकि उनको पता था कि भाई इस तरह के जेनोसाइड में के मदद के लिए ये आर्म्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं।